हाय एवरीवन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग, और लास्ट लेक्चर तक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो भी थे एल्डिहाइड कीटोन का कर चुके थे हम लोग। आज से फिजिकल प्रॉपर्टी जो है स्टार्ट करेंगे। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज उतने मायने तो नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। सबसे पहला इसमें आता है फिजिकल स्टेट। अब हर एक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट एग्जैक्टली पर्टिकुलरली जानना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे ही कंपेयर करके कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो भी हैं, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उनमें से फॉर्मल्डिहाइड एकमात्र है जो ऑर्डिनरी कंडीशन में गैस है। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब जो रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है उस कंडीशन में फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन नंबर 11, मतलब 11 कार्बन तक के एल्डिहाइड हों या 11 कार्बन तक के कीटोन हों, ये जनरली कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स होते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है। उसके अलावा बोले कि 11 कार्बन तक जाओगे तो सभी कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स, कलर तो है नहीं, मोबाइल लिक्विड्स कहने का मतलब कि आसानी से फ्लो करते हैं। और उसके बाद आगे जाओगे मोर देन 11 कार्बन एटम्स तो इसके बाद के ये सभी सॉलिड्स होते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड गैस, उसके बाद के 11 कार्बन तक सारे के सारे कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स, और 11 कार्बन से आगे जाओगे तो ये सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की यदि बात करें हम लोग, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, तो ये जनरली लिक्विड्स या सॉलिड्स ही होते हैं, जैसे एसीटोफिनॉन है, बेंजल्डिहाइड है, ये सब मोस्टली लिक्विड्स ही होते हैं। लेकिन इनमें से भी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कार्बन तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे, पर्टिकुलरली लिक्विड और सॉलिड। मतलब कोई वैसा एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है जो गैसियस स्टेट में होता है, फिजिकली इतना ही जान लो। तो फिजिकल स्टेट में यही सब है। स्मेल वगैरह की बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनका अनप्लीजेंट पंजेंट ऑर्डर है, तीखा ऑर्डर, और हाइयर मेंबर का फ्रूटी स्मेल होता है। हाइयर मेंबर मतलब भाई 10 कार्बन 12 कार्बन तो इस तरह के एल्डिहाइड का बढ़िया स्मेल है, फ्रूट्स के जैसा स्वीट स्मेल। और जो लोअर मेंबर है 1-2 कार्बन बोला, उनका स्मेल जो है कुछ ठीक होता नहीं है। कीटोन्स में बोल रहा है कि जनरली प्लीजेंट स्मेल ही होता है, मतलब कीटोन वैसा बैड स्मेल नहीं करते हैं। तो खैर सब उतना मायने वाला चीज नहीं है। मेन फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत मेन जो आता है वह है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो यह जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो जनरली दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो उस सब्सटेंस के मोलर मास पे, और दूसरा डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। ऐसा तो मोलर मास और ये दोनों का जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि जितना अधिक मोलर मास हो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो सकता है, या फिर उसके मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसका स्ट्रेंथ मजबूती जितना ज़्यादा है फिर भी बॉइलिंग पॉइंट अधिक ही होगा।
तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पर्टिकुलरली एक एक कंपाउंड का नहीं पढ़ते, वो कंपैरिजन करके पढ़ा जाता है कि इसके तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो अल्डिहाइड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वह इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब हुआ कि किसी से ज़्यादा है तो किसी से कम भी है। जैसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन हैं, या फिर जो ईथर्स होते हैं, उनके तुलना में अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अल्डिहाइड कीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। लेकिन वही अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके तुलना में जो है बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इंटरमीडिएट में पहले बताया कि अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हैलोजन कंपाउंड्स वगैरह से जनरली ज़्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कम होता है। क्या वजह है इसी को थोड़ा डिटेल में देखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ऐसे जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो एक बात ध्यान में रखोगे कि यहाँ मोलर मास कंपेरेबल लिया जाता है, मतलब मोलर मास लगभग सेम ही है, कंपेरेबल मोलर मास। तो अभी तो हम बोले कि बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ पे डिपेंड ही करता है, या तो मोलर मास पे डिपेंड करेगा या तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब मोलर मास यहाँ आप कंपेरेबल ले चुके हो, मतलब सबका मोलर मास को कांस्टेंट रखे हुए हो, तो ऑब्वियसली इस केस में डिपेंड करेगा किस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स को केवल चेक कर लो। तो एक बात तो ये भी ध्यान में रखना कि यदि कोई लिक्विड सब्सटेंस है, और ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं मतलब कि कोई लिक्विड सब्सटेंस ही होगा, तो इसमें दो ही टाइप का फोर्स ऑपरेट होता है, आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वैंडरवाल फोर्स, आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वैंडरवाल फोर्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ तो कहीं ज़्यादा है वैंडरवाल फोर्स से। वैंडरवाल फोर्स में भी कई हैं, डायपोल डायपोल है, डायपोल डायपोल होता है, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होता है, फिर डिस्पर्सन फोर्स है जिसको इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल भी कहते हैं, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन फोर्स भी है। अच्छा, अब इन तीनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो इन तीनों में फिर डायपोल डायपोल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उससे कम डायपोल इंड्यूस डायपोल, और सबसे कम है डिस्पर्सन फोर्स का, नंबर वन पे ही है, टू पे ही है और थ्री पे ही है। जानेंगे कैसे कि किसके बीच कौन सा फोर्स लगा हुआ है, तो बड़ा सा आसान है कि यदि दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर पोलर, तो डायपोल डायपोल, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल, और दोनों के दोनों नॉन पोलर, तो फिर डिस्पर्सन फोर्स। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल का नेचर जानो है। यदि दो मॉलिक्यूल जिसके बीच वह फोर्स ऑपरेट हो रहा है वे दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के हैं, तो वहाँ डायपोल डायपोल फोर्स लगेगा। एक पोलर एक नॉन पोलर है तो डायपोल इंड्यूस डायपोल लगेगा, और दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं तो डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। तो क्या समझाया अभी हम कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं उनमें, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड तो चलो इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा, तो अलग अलग मॉलिक्यूल है तो इंटर ही लगेगा, और वैंडरवाल में ये तीन कैटेगरी मिलनी, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, डिस्पर्सन फोर्स, कौन से मॉलिक्यूल के बीच लगेगा ये भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ आकर के कंपैरिजन करो, एकदम सिंपल सा, एकदम आसान सा है, समझ में आ जाएगा तुरंत से। हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। ए मोस्टली किस नेचर के हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं, मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, अल्कीन, अल्काइन या अल्केन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स, और वीकेस्ट फोर्स में आता है वही डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। हाँ, इसके डिस्पर्सन फोर्स के तुलना में थोड़ा ईथर का डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के वजह से हल्का फुल्का पोलैरिटी जो है मॉलिक्यूल में आता है। तो फिलहाल इतना मान लो कि दोनों में वैंडरवाल फोर्स ही है, वो भी डिस्पर्सन लाइक फोर्स है, ऐसा वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन इन दोनों में आपस में कंपेरिजन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन से थोड़ा मजबूत फोर्स है किसमें, ईथर में। अब बचा अल्डिहाइड और कीटोन, तो अल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, पोलर किस वजह से है देखेंगे अभी हम। और बचे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये पोलर तो है ही, और दोनों में हम लोग जानते हैं कि OH बॉन्ड भी होता है, और ये OH बॉन्ड होना ही तो वजह है किस चीज़ का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का,
मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स या फिर कीटोन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं डाइपोल डाइपोल से, काहे कि पोलर नेचर का है, डाइपोल डाइपोल से। और ये जो हाइड्रोकार्बन ईथर वगैरह हैं इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं डिस्पर्सन फोर्स से। और जैसा कि अभी हमने बताया कि इन सारे फोर्स के स्ट्रेंथ की बात करा जाए तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उस हिसाब से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय एल्डिहाइड कीटोन, और सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन या फिर ईथर का। तो एक कंपैरिजन यहाँ समझ में आ गया, ये हर एक चैप्टर के लिए वैलिड है, चाहे आप इसको हैलोकेंस हेलोरिन्स में पढ़े होगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़े होगे, अभी एल्डिहाइड कीटोन, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, एमीन्स में पढ़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट का यही फंडा है, मोलर मास कंपेयरेबल रहेगा, बस एक ही चीज़ देखना होगा नेचर ऑफ फोर्स। और उसके लिए सारा क्लियर हम बता दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स में क्या होगा उसके लिए मॉलिक्यूल का नेचर पहचानो, पता चल जाएगा साफ साफ। अब एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल्स पोलर कैसे हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन है तो इसमें तो एक कॉमन ग्रुप है ना, जिसे हम कहते हैं कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, एक कॉमन ग्रुप है इनमें सी डबल बॉन्ड ओ, कॉमन ग्रुप है जिसे हम कार्बोनिल कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि दो अलग अलग एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के तुलना में अधिक है, तो उस हिसाब से बॉन्ड थोड़ा पोलराइज होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, ऐसा इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ऐसे। और इस तरह से आप देखोगे तो चूंकि एक कार्बोनिल ग्रुप में माइनस प्लस दो इंड्स बन गए हैं, इसका मतलब हुआ कि यह जो ग्रुप है वह पोलर नेचर का है, और इसे हम एक डाइपोल कहेंगे, डाइपोल, दो पोल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे यहाँ भी हो गया डाइपोल, दो पोल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे बगल में भी है पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल। अब यहाँ एक का नेगेटिव इंड और दूसरे का पॉजिटिव इंड अगल बगल है, तो यहाँ एक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, अच्छा, और जो अट्रैक्शन डेवलप करेगा उसे ही हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल। अरे नाम से स्पष्ट है, डाइपोल डाइपोल फोर्स मतलब वह फोर्स जो दो डाइपोल के बीच ऑपरेट हो रहा है, और डाइपोल रिप्रेजेंट करता है एक पोलर चीज़ को, तो यह एक पोलर ग्रुप है जिसे हम डाइपोल कह रहे हैं, या भी एक पोलर ग्रुप है जिसे डाइपोल कह रहे हैं, तो इसके बीच देख ही रहे हैं साफ साफ माइनस प्लस है, तो इंटरैक्शन तो होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा, उसे ही हम डाइपोल डाइपोल कहेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन का पोलर नेचर के वजह से, कार्बोनिल ग्रुप का पोलैरिटी के वजह से, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वे आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से जुड़े हैं, और इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स की तुलना में होता है ज़्यादा। और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम क्यों होगा वो भी हम लोग देख लिए, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन में देख लिए, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे तो मामला तो कुछ ऐसा है, आर ओ एच, फिर एच ओ आर अल्कोहल है, तो फिर से यहाँ ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ये देखो ऐसा बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बनेगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देखो यहाँ और यहाँ ऐसे। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन तो पूरा डिटेल में इसके चैप्टर में करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ इतना दिखा रहे थे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा मतलब मॉलिक्यूल डेफिनेटली पोलर नेचर का है, बिना पोलर नेचर का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इनमें बना हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्डिहाइड कीटोन में आया डाइपोल डाइपोल, और हाइड्रोकार्बन में तो बताया एकदम वीकेस्ट फोर्स है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, मीथेन के मॉलिक्यूल ले हुए, तो कोई पोलैरिटी इनमें नहीं है ना, सिंपल सा वैंडरवाल इंटरैक्शन ऑपरेट होगा, बहुत वीक नेचर का ऐसा। अब यदि हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझना चाहें, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है, कुछ कंपाउंड्स का
बॉइलिंग पॉइंट लेकर के कंपेयर किया गया है, इसे कंपाउंड इनका मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड में जैसे प्रोपेनल लिया गया CH3CH2CH4, कीटोन लिया गया CH3COCH3, वन प्रोपेनॉल लिया गया एन प्रोपाइल अल्कोहल, और फिर लिया गया एसिटिक एसिड। ऐसे चार तरह के हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, वन प्रोपेनॉल एंड इथानोइक एसिड। इन सब के मॉलिकुलर मास की बात करें, मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास 58, 58, 60, 60, देख ही रहे हो कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, दो यूनिट का अंतर है थोड़ा सा, लेकिन वही बॉइलिंग पॉइंट में अंतर देख लो, 322 केल्विन, 329 केल्विन, 371 केल्विन और इसका होता है 391 केल्विन। अच्छा, अब क्या वजह दोगे इस वेरिएशन का, क्या वजह हो सकता है? तो अभी जो बताए हम कि अल्डिहाइड कीटोन इन दोनों में है डाइपोल डाइपोल, ऐसा इन दोनों में है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब डाटा से तो एकदम साफ स्पष्ट हो जा रहा है ना कि यदि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है तो अल्कोहल के तुलना में एसिड वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत है, इसलिए देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। सिमिलरली कि इन दोनों में डायपोल डायपोल है और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब कि कीटोन का जो डायपोल डायपोल है वह अल्डिहाइड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा सिंपल सी बात है, डाटा के आधार पे आप इसको एक्सप्लेन कर लो कि इन दोनों में मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें कहा कि डायपोल डायपोल है, तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का सेम होना चाहिए। इन दोनों का सेम कहें कि मॉलिकुलर मास देखो एकदम सेम है, 60 60 58 58, तो यदि इनका मॉलिकुलर मास सेम है, 4:1 जैसा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट शुड भी सेम, लेकिन नहीं है, कीटोन का थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब कीटोन में जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है अल्डिहाइड की तुलना में। एंड सिमिलरली यहाँ एसिड का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल के तुलना में ज़्यादा स्ट्रेंथ का है, ज़्यादा मजबूत है। तो खैर वो तो हम लोग देखेंगे आगे, इनमें कंपैरिजन करें कि यदि मॉलिकुलर मास एकदम सेम है, दोनों मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में डायपोल डायपोल है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा भी अंतर क्यों? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 7 केल्विन का अंतर है, 7 डिग्री का अंतर है, जो अंतर तो है, क्यों है? कि अल्डिहाइड और कीटोन है मॉलिकुलर मास से में, मतलब कि आइसोमेरिक हो गए दोनों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक दूसरे का, तो फिर ऐसा किस वजह से हुआ भाई? तो वजह साफ है कि फोर्स स्ट्रॉन्ग है, फोर्स डिपेंड कर रहा है पोलैरिटी पे, तो पोलैरिटी में अंतर होगा। देखो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH और एक कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, यहाँ जो कार्बोनिल है इसके एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हम लोग जानते हैं डोनेटिंग है, और डोनेटिंग है तो जो पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, वैसे यहाँ शिफ्ट करेगा तो माइनस आता है और प्लस आता है। तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के अगल बगल दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस वजह से होता क्या है कि एक तरफ डोनेटिंग ग्रुप है तो जो ग्रुप होगा वह लेस पोलर होगा। लेस पोलर होने का मतलब कि यहाँ जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वह थोड़ा कम होगा इसके तुलना में, यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों तरफ इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं। और इसके लिए भी डाटा है कि जो डायपोल मोमेंट पता किया गया है दोनों के लिए, म्यू का वैल्यू, डायपोल मोमेंट जो निकाला गया है वह अलग अलग है। प्रोपेनल का है 2.52 डिवाई और इसका है 2.88 डिवाई, एसीटोन का या प्रोपेनॉन का। तो देखो डायपोल मोमेंट में तो अच्छा खासा अंतर है, 2.55 और यहाँ है 2.88, ऐसा। तो बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा अंतर हमें दिख रहा है, मतलब सॉरी डायपोल मोमेंट में, इसका मतलब हुआ कि पोलैरिटी में भी अच्छा खासा अंतर है। रीजन बता दिए
कि यहाँ कार्बोनिल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा, इसमें कम देगा तो एक ही थोड़ा सा चार्ज जनरेट होगा, इसलिए कम पोलर ई ज़्यादा पोलर बस। और पोलर ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि इसके बीच का जो डायपोल डायपोल फोर्स है वह ज़्यादा मजबूत होगा, और डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा मजबूत होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो आता है एग्जाम ऐसे ही पूछेगा कि एमंग प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन या एमंग क्या कि एमंग आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे करके पूछेगा, एमंग आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड्स कीटोन्स हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्डिहाइड ड्यू टू, ऑप्शन दे देगा ग्रेटर मोलिकुलर मास, अब आइसोमेरिक लिखा है तो मोलिकुलर मास तो ज़्यादा होगा नहीं, फिर पूछेगा ग्रेटर, फिर देगा ग्रेटर पोलैरिटी लेस पोलैरिटी, ऐसे करके कुछ भी चार ऑप्शन देगा। तो याद रखना कि कीटोन का ज़्यादा है एल्डिहाइड से, इसका एक ही वजह है पोलैरिटी, इसका एक ही वजह है क्या पोलैरिटी, पोलैरिटी के वजह से ऐसा होता है, कीटोन ज़्यादा पोलर होता है इसीलिए। और अब फाइनली आ जाए इसमें सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी हम लोग दो चीज़ में चेक करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और दूसरा वाटर में। जो वाटर में सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ना के बराबर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा वाटर में ना के बराबर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी का क्या कंडीशन है छोड़ो, पहले वाटर का देखो। वाटर में सॉल्युबल होने का दो कंडीशन है, मॉलिक्यूल शुड बी पोलर एंड ऑल्सो एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल शुड बी पोलर एंड ऑल्सो एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है जिसमें या तो OH बॉन्ड हो या तो NH बॉन्ड हो या तो FH बॉन्ड हो। यदि यह तीन टाइप का बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तीनों में से कोई एक भी, तीनों में से कोई एक टाइप का बॉन्ड है तो फिर वह मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में तो हम लोग देखें कि ना तो उसमें OH है, ना तो उसमें NH है, ना तो उसमें FH है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रहा। लेकिन हाँ, सारे के सारे एल्डिहाइड कीटोन पोलर हैं कार्बोनिल ग्रुप के वजह से, ये पोलर ग्रुप है तो ये पोलर है, तो इस पोलर नेचर के वजह से कुछ जो लोअर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वे लोअर मेंबर्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है, एसीटोन है, ये सब जो है थोड़ा बहुत वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। और सॉल्युबिलिटी का वजह वही हो जाएगा कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन पोलर होने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरेक्ट करता है। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल हुआ और इधर कार्बोनिल ग्रुप है ऐसे, तो यहाँ देखोगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ से इंटरेक्शन होगा, यहाँ से इंटरेक्शन होगा ऐसे, तो यहाँ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कार्बोनिल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक नहीं था, लेकिन हाँ वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा हुआ कि इसका हाइड्रोजन इंटरेक्ट किया इससे, तो कहीं ना कहीं बोले इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ए बनाने लायक नहीं है लेकिन दूसरा इसके साथ बना रहा है, पोलर है हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही रहा है, तो इस वजह से जो लोअर मेंबर हैं दो तीन कार्बन तक वे वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बोनिल में यहाँ अल्काइल का साइज बढ़ेगा, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, तो यहाँ इस साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगा, क्योंकि जो भी साइज बढ़ेगा वो कोई अल्काइल या एलाइल ग्रुप का बढ़ेगा। अब अल्काइल और एलाइल ग्रुप का साइज यदि बढ़ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि ये ग्रुप्स नॉन पोलर हैं, ये ग्रुप्स क्या है नॉन पोलर है, और नॉन पोलर चीज़ वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा भाई वो किस में डिजॉल्व करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा, सिंपल सी बात है। तो इतना बात तो समझ में आ गई सॉल्युबिलिटी के मामले में कि लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाटर में सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, लेकिन जैसे जैसे उनमें कार्बन हाइड्रोजन का संख्या बढ़ेगा मतलब साइज बढ़ेगा तो पोलैरिटी घटेगा, और पोलैरिटी घटने के वजह से उनका वाटर में सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। लेकिन जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं वे सब के सब बहुत अच्छे से सॉल्युबल हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यही है फिजिकल प्रॉपर्टी में मेन दो चीज़ देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी बस। क्वेश्चन इससे थोड़ा
एक दो हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम में जो आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ही आता है बेसिकली। एक ऐसा एसीटोन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एसीटल्डिहाइड, ऑल्दो दे हैव सेम मोलर मास। दिस इज ड्यू टू, ऑप्शन देगा, दिस इज ड्यू टू, ऑप्शन देगा, क्या क्या दे सकता है, लेस पोलैरिटी ऑफ एसीटोन, बी लेस रिएक्टिविटी ऑफ एसीटोन, फिर देगा मोर रिएक्टिविटी ऑफ एसीटल्डिहाइड, फिर देगा मोर पोलैरिटी ऑफ एसीटोन। एक क्वेश्चन इससे ऐसा बनता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, ऑप्शन देगा, ए नंबर ईथर अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन, फिर कीटोन अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, कुछ भी दिया जा सकता है, फिर दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल कीटोन अल्डिहाइड। ऐसे एक ऑर्डर और दे सकता है कोई भी, सी है, डी नंबर में दे देगा कीटोन अल्डिहाइड ईथर और अल्कोहल, ऐसा इस तरह का ऑर्डर दिया हुआ है। आप पूछेगा बताओ इसमें से बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इन टॉपिक से, तो अभी डिस्कस किए हैं, इसमें अलग सब कुछ है नहीं, कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा है, एसीटल्डिहाइड से मतलब, जबकि दोनों का मॉलिकुलर मास क्या है, सेम, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एसीटोन का पोलैरिटी ज़्यादा है, बस उसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ईथर से ज़्यादा अल्कोहल ठीक है, लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा एल्डिहाइड कैसे, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल रहती, तो गलत हो गया, ये नहीं होगा, कीटोन से ज़्यादा एल्डिहाइड, कीटोन से ज़्यादा एल्डिहाइड कैसे, कीटोन का ही ज़्यादा होता है, ये भी गलत हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन एल्डिहाइड, सही है, इसी को तो अभी हम लोग देखे थे, फिर यहाँ कीटोन का ज़्यादा एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड का ज़्यादा ईथर से, फिर ईथर का ज़्यादा अल्कोहल से, हमने अल्कोहल का सबसे कम बता रहा है, गलत। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनेंगे इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक्स से, तो बस कंसेप्ट को सब समझे रहोगे तो हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ और जुड़ेगा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज्यूमिंग द सेम मोलर मास, ऐसे करके, तो बस नेचर ऑफ फोर्स देखा, मोलर मास के आधार पर कभी नहीं पूछेगा। हाँ, अब ऐसे यदि रहा कि केवल एल्डिहाइड है और केवल कीटोन है, तो फिर केवल एल्डिहाइड ही सब, तो मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मिथेनल से ज़्यादा इथेनल का बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा प्रोपेनल ब्यूटेनल पेंटेनल, ऐसे होते जाएगा। उसी प्रकार से कीटोन है, प्रोपेनॉन से ज़्यादा ब्यूटेनॉन का, पेंटानॉन का, हेक्सेनॉन का, ऐसे। तो एक ही सीरीज में बात करोगे, होमोलोगस सीरीज में, तो फिर जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा,
लेकिन वैसा रेयर ही पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछेगा तो फोर्स के आधार पे पूछेगा, किसी दूसरे से कंपेयर करके पूछेगा, एक ही होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड का नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखोगे इन बातों का। तो आई थिंक फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। धन्यवाद।